रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन किचन विद अलीना। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ दही भड़े। आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। जो उसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, दाल माश और दाल मूंग ली है मैंने। एक एक कप, एक कप ही दाल माश थी और एक कप ही दाल मूंग थी। उन दोनों को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे भिगो के रख सकते हैं, मीन्स अगर आपको बनाने हैं तो रात को भिगो के रख लें। साथ में मैंने लिया कुटी हुई लाल मिर्च, देखें इसे मैंने भून लिया था। कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए 1 टीस्पून है। साथ में नमक है, देखें 1 टीस्पून। एक मैंने सब्ज़ मिर्च ली थी, उसे मैंने काट लिया। बेकिंग सोडा लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। अब हम इन्हें इसका मिक्सचर बनाएंगे, तो उसके लिए मैं एक ब्लेंडर लूँगी, उसमें दाल को ऐड करूँगी। देखिए मैं ऐड कर रही हूँ, देखिए इसमें हल्का सा पानी है, बिल्कुल कम है, 1/4 कप होगा यकीनन, इतना ही रहता है। बाकी मैंने निकाल लिया था इसमें से। ये देखें दाल ऐड कर दी है। अब मैं इसमें नमक, कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूँगी। अब ज़ीरा जाएगा, साथ में लहसुन का पेस्ट और साथ में जो मैंने एक सब्ज मिर्च ली थी काटी हुई वो डाल दी है। जो बेकिंग सोडा है वो हम अभी नहीं डालेंगे, जब ये ब्लेंड हो जाएगा, अच्छे से मिक्सचर रेडी हो जाएगा, फिर हम एक बाउल में लेंगे और फिर इसे डालेंगे। अभी नहीं डालेंगे, इसे कवर करके हम अब इसका मिक्सचर तैयार करेंगे, इसे ब्लेंड करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस फॉर्म में इतना गाढ़ा है। पानी मैंने नहीं ऐड किया था, जो दाल के अंदर थोड़ा सा पानी था, तकरीबन वो 1/4 कप होगा, मतलब कि 1/2 कप से भी कम है, तो तकरीबन 4 टेबलस्पून वही पानी है जो इसमें ऐड किया है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। ये देखें ये मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हमने इसे थोड़ा सा फ्लफी बनाना है, उसके लिए इसे मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छे से हाथ से मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, जो 1/2 टीस्पून लिया था। तो ये देखें अब इसे अच्छे से इस तरह से तेज़ हाथों से मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये फ्लफी सा हो जाए, इसके अंदर हवा भरी जाए, थोड़ा सा फूल जाए। 4 से 5 मिनट तक पूरे जोश के साथ मिक्स करेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एग बीटर जो होता है वो ले लें, उससे आप कर सकते हैं, मीन्स अगर आपसे हाथ से नहीं हो रहा तो उसे कर लें। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गया है, बहुत ही फ्लफी सा हो गया है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट रेडी हो गया है या नहीं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप इस तरह से एक कटोरी में पानी लेंगे और उसके अंदर इसका थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, मीन्स के एक ड्रॉप ऐड हो गया। ये देखें अगर आपका मिक्स होना स्टार्ट हो जाए, पानी के अंदर मिक्स हो जाए, तो फिर मतलब अभी आपका ये बैटर रेडी नहीं हुआ, आप इसे थोड़ा और ज़्यादा फेंटेंगे। लेकिन इस तरह से अगर तैरने लग जाए और बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे आपने गिराया ड्रॉप, तो फिर आपका ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया। ये रेडी हो गया है। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें मैंने ऑयल डाल ली है और चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए। ये देखें ऑयल भी हमारा तकरीबन रेडी हो चुका है, मीन्स गर्म हो चुका है। अब हम एक स्पून की मदद से, आप चाहें तो ऐसे हाथ की मदद से भी उठा सकते हैं, जिस साइज़ के आपने बनाने हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के बना ली हूँ, आप छोटे बड़े भी बना सकते हैं। तो उसके लिए देखें मैं इतना सा मिक्सचर ले रही हूँ, इसे ऑयल में डालूँगी, जिस मर्ज़ी शेप के हों, लेकिन जब आप पानी में इन्हें डिप करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही सही हो जाएंगे। ये देखें मैंने डाल दिए हैं सारे, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। शेप पे आप बिल्कुल, शेप आपकी कोई भी हो, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि जब हम इन्हें पानी में डिप करेंगे तो फिर ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे। अब 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम आंच पे इन्हें फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं, अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता से, क्योंकि ऊपर से अभी ये वैसे ही है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से सारों की साइड चेंज करेंगे। ये देखें ये फ्राई होकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये देखें हमारे भड़े फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें मैंने पानी ले लिया है, खुला ज़्यादा पानी ले लें आप, नॉर्मल यूज़ का जो पानी होता है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। हाँ अगर ऐसा हो रहा है कि आपको भी भड़े बना रहे हैं और आपको नमक ऐड करना है, मतलब कि डालना याद भूल गया है, तो फिर आप
इस बाउल में 1 टीस्पून पानी ऐड करके, यहाँ हसब ज़रूरत जितना आपको चाहिए उतना पानी ऐड करके मिक्स करें और फिर उसमें ये भड़े को भगो दें, वरना हम कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने नमक डाला हुआ है भड़ों के अंदर। अब हम सारे इसमें डाल देंगे। ये देखें, इन्हें अच्छे तरह से पानी में डिप कर देंगे, सारे मैंने डाल दिए हैं। अब हम इसे 15 मिनट तक ऐसे ही रख देंगे कवर करके, तब तक हम अपनी इमली की जो मीठी चटनी बना रहे हैं, इमली की खट्टी मीठी चटनी, उसके लिए मैंने इमली का पल्प लिया है 1 कप। इमली को भगो के रखा था 1 कप पानी में, तकरीबन 4 टेबल स्पून इमली थी, उसे 1 कप पानी में भगो के रख दिया। जब उसे 15 से 20 मिनट रखा, उसके बाद उसे अच्छे से मिक्स किया और उसे निचोड़ लिया। ना हो तो आप ब्लेंडर में डाल के एक दो बार इसे ब्लेंड करें, फिर उसे अच्छे से छान लें। साथ में मैंने गुड़ लिया है, आप शक्कर भी ले सकते हैं, गुड़ या शक्कर कुछ भी ले लें। ये मैंने 1/4 कप लिया है। अदरक का पाउडर लिया है मैंने 1/2 टीस्पून। खजूरें ली हैं मैंने, इनमें से गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं, ये 7 अदद है। कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 1/2 टेबल स्पून। नमक लिया है मैंने 1/4 टीस्पून, मीन्स के आधा चाय का चम्मच होता है उससे भी कम, 1/4 चाय का चम्मच। साथ में मैंने ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून। पानी लिया है हसबे ज़रूरत, तकरीबन 1 कप लिया है। अब हमें जितनी ज़रूरत होगी उतनी डालेंगे, या तो हम आधा कप डालेंगे और अगर ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो हम पूरा कप ही डालेंगे। अब एक पैन लूँगी मैं, ये देखिए एक पैन ले लिया है मैंने, इसे गर्म कर लिया है। इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी, साथ में कुटी लाल मिर्च, इसे थोड़ा सा मैं फ्राई करूँगी, मीन्स के भूनूँगी। ये देखें बस ये भुनी गई है, ज़्यादा नहीं भूनना ताकि वो ना हो के जलना ही शुरू हो जाए। अब हम इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे, साथ में खजूरें ऐड कर देंगे, जो मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अदरक का पाउडर ऐड कर देंगे और साथ में गुड़ या शक्कर जो भी हो वो ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है और इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। ये देखें मैंने 1 कप पानी लिया था, उसमें से ये देखें तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी रह गया है, बाकी का मैंने सारा ही ऐड कर दिया, मतलब आधे कप से ज़्यादा हमने पानी ऐड किया है। अब हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखें 5 से 6 मिनट तक मैंने इसे पकाया है, अब ये पक के रेडी हो गई है। अब मैं एक ब्लेंडर में डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे हमने पकाया था। ये देखें अब हम आहिस्ता से चम्मच की मदद से लेंगे और इसे इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा ये गर्म है तो हाथों पे मत गिराइएगा, आराम से। ये देखें इमली की चटनी जो खट्टी मीठी थी वो बिल्कुल रेडी हो गई है, इसे मैं डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें ये इस फॉर्म में है, देख सकते हैं आप। अब हम इसे रेफ्रिजरेटर में रख देंगे ठंडा होने के लिए। दही रेडी करेंगे, उसके लिए मैंने 1/2 किलो दही ले लिया है, साथ में मैंने 4 से 5 अदद ली हैं सब्ज़ मिर्चें कटी हुई, बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया उन्हें मैंने। 1/4 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है और 1/4 चम्मच ही मैंने नमक लिया है। दही को मैं अच्छे से बीट करूंगी पहले, मतलब कि अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। अब इसमें मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूंगी, साथ में नमक और ज़ीरा भी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। ये देखें दही भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे मैंने अच्छे से बीट इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसे बीट ना करती तो जो हमारे भरे थे उनके अंदर दही का जायका ना जाता, दही वैसे ही उसमें फुटकरियाँ रहती दही में, तो इसीलिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखें 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे पानी के अंदर डीप हो चुके हैं बिल्कुल, ये देखें नीचे डूब रहे हैं पानी में, मीन्स कि ये रेडी हैं। अब हम एक एक पकड़ेंगे, इसे बिल्कुल नरम हाथों से सेंटर में रखेंगे और प्रेस करेंगे। ये देखें कि ये फटे नहीं, सिर्फ प्रेस करना है, इसका पानी निचोड़ना है हमने। देखें इस तरह से सेंटर से बिल्कुल नरम हाथ रखेंगे हम। ये देखें इस, ये देखें अब मैं इस तरह से इसे रख रही हूँ बाउल में। इसी तरह से बाकी के हम सारे पकड़ेंगे और इनका पानी निचोड़ते जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे वरना ये फटने लग जाएंगे। ये देखें इसे भी रख देंगे,
सर्विंग ट्रे में, इसी तरह से बाकी के सारे। ये देखिए अब हम अपने जो भड़े हैं वो सर्विंग के लिए रेडी करेंगे। उसके लिए ये सारे भड़े मैंने रख लिए थे, इनका पानी अच्छे से निचोड़ के अब हम इसको दही से कवर करेंगे। ये जो दही का मिक्सचर हमने रेडी किया था उससे, ये देखें दही से कवर कर लिया मैंने। अब मैं इसके ऊपर इमली की चटनी डालूंगी, जो हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी वो। नीम को ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंग करेंगे, सिर्फ डेकोरेशन के लिए, अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करें, अगर आपके पास ना हो तो। बॉयल चने, अगर आप नहीं करना चाहते तो ये भी ऑप्शनल है, मैं तो सिर्फ डेकोरेशन के लिए कर रही हूँ, आप ना करें। अब हम इसमें ग्रीन चटनी ऐड करेंगे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है, बहुत मज़े की। यह वाली ग्रीन चटनी हमने डाल दी है, इसका लिंक आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब टमाटर ऐड कर देंगे, टमाटर ऐड कर दिए। अब मैं कुटी हुई लाल मिर्चें हल्की सी स्प्रिंकल करूँगी, ऐड कर दिए। अब मैं ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। अगर आप अपने बच्चों को सर्व करने हैं तो आप ग्रीन चिली ना डालें। अब चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूंगी अपने टेस्ट के हिसाब से। ये देखें हमारे दही भड़े बिल्कुल रेडी हैं। आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा।